अभी हम लोग अनबॉक्स कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने अनबॉक्स किए नहीं क्योंकि भाई झोल झपाटे बहुत चालू हो गए। माशाल्लाह चालू नहीं हो रहा है। अभी एक दुखी आपको वो खबर बताता हूँ। मेरी फ्रेंड हम लोग ऑटो से पहुँच गए हैं हीरा में। अभी सब हमारा जो यहाँ का जो कुर्बानी थी कट गया। अभी ऊपर जाके देखते हैं क्या पोजीशन है। हाँ स्कॉर्पियो एक्चुअली है नहीं, इसके लिए ऑटो से आना पड़ा। स्कॉर्पियो गई है, उसके कुछ काम है सर्विस वगैरह। अभी क्रेटा इधर खड़ी है पार्किंग में, इसके लिए मैं बारिश में बाइक नहीं लाया। क्रेटा वहाँ खड़ी है। आई क्या ओके सो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए ऊपर और आप लोग को मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि नहीं दिखा सकते रेड मीट जो कि यार नीचे पड़ा है। बोटी बोटी हो चुकी है सब। हाल आया और पप्पा फुल कसाई वाले मोड में आ गए। और ये हमारी सिस्टर का नया सोफ़ा देख लो। मेरी से बहन ने तो डाली नहीं होगी उसके चैनल पे। हमारी सिस्टर बड़ी सुस्तड़ है इसलिए। ये क्या है मुर्दा करे जी क्या बात। सब मम्मी रेडी कर दे। नीचे भी जाते हैं बस। नीचे क्या है वो नहीं वो दिखा नहीं सकते ना। और यहाँ पे मेरे पप्पा बंदे की हेल्प करने के लिए बैठेगा क्योंकि पप्पा की पहले भुसावल में हमारा जो इधर वो उसकी दुकान थी ना, तो पप्पा अपनी स्किल्स दिखा रहे थे उसको, ऐसा उसको सिखा रहे थे बेसिकली। और यहाँ पर हिस्से बाटी करना चालू हो गया है तो बांटना रहता है ना गोश्त, क्योंकि मेन तो बाटते हम लोग ज़्यादा रखते ही नहीं है घर में। बाट के थोड़ा बहुत अपने लिए निकाल लेते, बाकी तो सब बाट बूट के ख़त्म कर देते। अब वही सब हिस्से बाटी चल रही है और हमेशा की तरह हमारी ड्यूटी है उसको बंटवारा करना। मैं और शहबाज भाई हम दोनों जाएंगे बाइक पे आएंगे। पिछली बार गाड़ी में गए थे बांटने निकल चुके हैं, बार बाइक पे निपटा देंगे फटाफट। लोकेशन नंबर 1 यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर ऊपर शहबाज भाई घोष देने गए। अभी है काफ़ी लोकेशन है, आप लोग देख लेना सभी लोकेशन। मैंने बारी बारी शूट किया हुई है कालसेकर हॉस्पिटल जो GSC के नाम से अभी हो गया। ये है लोकेशन नंबर 2, यहाँ पे भी गए हैं देने के लिए। इतना थैला भर के अभी सामान अपने पास स्टॉक जमा है। और यह है लोकेशन नंबर 3, यहाँ पर भी ऊपर गया है देने के लिए। और मैं सिर्फ ड्राइविंग कर रहा था, वर्कमैन चला रहा था मतलब राइडिंग, मैं कहीं गया नहीं ऊपर देने के लिए। और यह है हाँ लोकेशन नंबर 4 है, ये मुमरा में दरगाह गली है वहाँ पर है, ये वहाँ पर हम लेने आए थे। और ये लोकेशन नंबर 5, हाँ ये तो भाई बड़ी ख़ास लोकेशन है। यहाँ पहले हमारा घर था, पहले हम यहाँ रहते थे। काफ़ी यादें जुड़ी है भाई यहाँ से, तो वही मैं सब वाइड एंगल में शूट कर रहा था। और ये सेकंड लास्ट लोकेशन है हमारा सत्यम अपार्टमेंट, यहाँ मेरे मामा रहते हैं जो भी है। इसके बाद एक ही यहाँ पे मेरे मामा रहते हैं, इसके बाद ख़त्म। एक दो बचा होगा गाइस, ऑलमोस्ट 8 बज गए रात के। और अभी एक और एक पार्सल है वो थाना में हमें देने जाना है। बारिश इतनी हो रही थी तो मजबूरी में गाड़ी ही निकालना पड़ी। वहाँ पर बाइक से जाते आते हमारी हालत बुरी हो जाती थी। अभी वहाँ पर जाएंगे और आज का बकरा ईद का दिन ऐसे ही ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स बकरा ईद की रात ख़त्म हो गई है, सब टीवी के साथ मूवी नाइट के साथ सब नींद में बैठे हैं एकदम सब थके हुए हैं मैं भी। द नेक्स्ट डे सॉरी बकरी ईद पार्ट 2 और हम कैसा गरीबों को इमदाद कर रहे हैं। लैपटॉप अभी हम गरीब को देने आए इधर से गया उधर कैमरा गलती है। एक्चुअली मैंने मंगाया था लैपटॉप दूसरे एड्रेस पे, आपको बाकी डिटेल में बाद में समझाता। लैपटॉप लेके हम लोग निकल गए और ये एक टाइम में पूरा वीराना हुआ करता था पीछे, अभी क्या ही बताओ आपको पूरा। यहाँ के बिल्डर्स को क्या दुनिया की जरूरत जल्दी ख़त्म होने वाली है, जितना हो सके उतनी जल्दी बिल्डिंग ठोक दो पूरा। बहुत कार्रवाई नहीं होगी छोटे अपने वीडियो के द्वारा, तो टेंशन मत ले।
हाँ सो खैर ये लैपटॉप आ चुका है। एक्चुअली हमारा जो मुमरा का पिन कोड है 612, उस पर मुमरा ठाणे का जो भी पिन कोड है उस पर ना जो चीज़ें ना 20-20, 25-25 दिन बाद आ रही है। और ये यहाँ पे भी नहीं मंगाया था मैंने, ये मैंने कल्याण फाटक के एड्रेस पे मंगवाया था। तो वहाँ के एड्रेस पे 2 दिन में डिलीवरी हो गई, सलमान की आईडी से मंगवाया था। अब वहाँ पे ये भाई का छोटा भाई गया था लाने, तो इधर मंगवा के रख लिया था, तो अब इधर से लेना। अभी जाएंगे और जाके इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। हम लोग अनबॉक्स कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने अनबॉक्स किए नहीं, क्योंकि भाई झोल झपाटे बहुत चालू हो गए, स्कैम बहुत बढ़ चुके हैं, स्कैम बहुत सारा होना चालू हो गए भाई। तो पहले ही वीडियो बना लो, अपन तो बनाते ही है, एक अच्छी चीज़ है अपनी। हाँ इसके तुम्हारे को दिखाने के लिए। और सलमान भाई हमारे बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। मेरे को भी खड़ा होना पड़ेगा बवा, खुल जाएगा मेरे ख्याल से अभी। एक डब्बे में डब्बा, इसके अंदर पत्थर निकला ना। पत्थर निकला था अमेजोन एचपी की, ये तो ब्रांडिंग तो दिखाए नहीं है, एचपी का लैपटॉप है भाई। खोलो गरीब लोगों को टाइम लगता है अनबॉक्स करने। उल्टा कर रहा था। जो कभी डब्बा को देखे ही नहीं हम जैसे लोग। डब्बा खोल के लाते ना। क्या दिख रहा है लैपटॉप? है ना, खुशी देखो, खुशी देखो। है लैपटॉप तो है, क्या माशाल्लाह। HP ये इसकी मैनुअल जो कोई पढ़ता नहीं है, सब जगह से देते है ना। निकाल सोनू इसको अंदर आ, ये तो भूल ही गया था मैं। चार्जर ये क्या है? अच्छा हाँ वो उसमें लगेगा। हाँ तो फाइनली फ्रेंड्स आग खोल गया है, लेकिन अब इसका फिजिकल इंस्पेक्शन भी करना ज़रूरी है। मैकेनिकल इंजीनियर उर्फ डेटा एनालिस्ट उर्फ सलमान भाई चेक करेंगे। माशाल्लाह एकदम सेक्सी लग रहा है एकदम। देखना आड़ी आजू बाजू में कॉर्नर वगैरह में। तो यार फ्रेंड बहुत हल्का है लैपटॉप, और सारी चीज़ें मैं पहले देख लेता हूँ। ओके हेडफोन का जैक, ये हेडफोन का जैक है ना? हेडफोन का हेडफोन नहीं है, चार्जर का, चार्जिंग। हाँ सॉरी चार्जर का जैक, हेडफोन नहीं लगता क्या इसमें? हाँ हेडफोन का इधर है, सॉरी इधर भी पोर्ट्स है, पोर्ट्स काफ़ी है, वो सब आपको वो नहीं है, टेक्निकल वाले नहीं है। तो उल्टा है अंदर के भी जरा दिखाइए। ये मैं सिल्वर देखा था लेकिन ये ब्लैक में मिल गया मुझे। ब्लैक ही था क्या? बिस्मिल्लाह। ए उल्टा हाथ से मत कर, मैं करता हूँ। दबा के रखना है, दबाओ दबा के रखना, 2-3 सेकंड। चालू नहीं हो रहा है, छोड़ दे, चार्जिंग नहीं होगी फिर। ये पढ़ना पड़ेगा, रुक जा। शायद इसमें ना चार्जिंग नहीं है, ऐसा सोनू हमारे टेक्निकल बोल रहे। अब इसको चार्जिंग पे लगा के देख लेते, चालू करके एक बार तसल्ली हो जाएगी तो अच्छी बात है भाई। लाइट जली भाई, जान में जान आई, थोड़ा चार्ज होने देते, उसके बाद इसको
चेक करेंगे। हो तो गया है, अभी चालू करके देखते हैं। तो गाइस फाइनली लैपटॉप चालू हो गया, मेरी जान में जान आई, मैं तो टेंशन में आ गया था भाई। तो फटाफट इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया, वो आप लोग को बोर नहीं करना चाहता क्योंकि हम खुद बोर हो गए थे, बहुत टाइम लग गया सेटअप करने के लिए। अभी कॉन्ग्रेचुलेशन लिख देना। और एक चीज़ और, हमारी स्कॉर्पियो भी हमें छोड़ के जा चुकी है, वो भी क्लिप ऐड कर देते फ्रेंड्स। लैपटॉप का आपने अनबॉक्सिंग तो देख लिए, अभी एक दुखी आपको वो खबर बताता हूँ। मेरी जो ये गाड़ी है स्कॉर्पियो, ये गाड़ी हमारी आज लास्ट नाइट है हमारे इधर हमारे साथ, क्योंकि इसका हमारा डील हो चुकी है, एडवांस भी हमको मिल चुका है गाड़ी का। और स्टार्ट टू एंड जर्नी में, मेरे यूट्यूब की जर्नी में यही गाड़ी ने साथ दी, क्योंकि ये गाड़ी लिया और तभी जर्नी चालू हुई थी मेरी। और अब सब सामान मैंने और सलमान ने मिल के, हम दोनों ने मिल के सब जो जो हमारा सामान था, जैसे ये तो टूट चुका है, खैर इसके लिए मैंने इसको कुछ और काम में ले लूँगा, सब टेप बहुत सी चीज़ें, ये हमारा तकिया सब निकाल लिए। कल सुबह में पुणे से एक भाई आने वाले, आके थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे हम, गाड़ी चले आएगी। बाकी कल जो जो होता है डॉक्यूमेंटेशन, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लूँगा मैं फॉर सेफर साइड, हमारे भी और सामने वालों के लिए भी। ओके, तो कल सुबह मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ बाकी की। तो गाइस ये सेकंड डे, कल रात में मैंने शूट किया था, अब मैं जा रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्टेशन के पास। पुणे से जो भाई है वो आके खड़े है उधर, अब आगे का दिखाता हूँ आप लोग को क्या क्या प्रोसीजर उसमें होता है। और अभी बज रहे हैं 3:30 बज गए भाई, जाके पुणे में नाम पे कराने वाले। मैंने सारे डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी कर लिया, एग्रीमेंट भी बना लियो, और अब समय आ गया है गाड़ी को बाय बोलने का। और जो भाई आए थे उन्होंने अपने डैडी को लेके आए थे, और कभी तो ऐसा होता नहीं, लेकिन जब वो निकल रहे थे, पेमेंट वेमेंट सब हो चुकी है हमारी, तो सीट बेल्ट ही नहीं आगे आ रहा था, तो वो अंकल काका टेंशन ले रहे थे, बोले पुलिस पकड़ेगी। तो मैं वही कोशिश कर रहा था कि सीट बेल्ट क्यों नहीं निकल रहा, आज तक तो कभी ये हुआ नहीं था, लेकिन आज जाने के टाइम पे सीट बेल्ट अटक गया था। सलमान एक वॉक अराउंड ले रहा है गाड़ी का, भाई आखिरी यादें है, ये गाड़ी अभी कभी हमारे मुमरा शहर में नहीं दिखेगी। और वहाँ पे मैं कोशिश में लगा हुआ था कि बेल्ट निकालूँ, वैसा निकालूँ, फिर एट द एंड मैंने उनको बोल दिया क्या चलते चलते थोड़ी देर के बाद वो निकल जाएगा, आप जब ट्राई कर लेना। थोड़ी देर में शान में बेल्ट खींच लेना, वो निकलता है, वो एक ही बार में निकल जाएगा, वो कभी कभी अटकता कभी निकल जाएगा। चलो तो हम जा चुके हैं हमारी जमीन।